I'm sorry, वो गेस्ट लिस्ट के हिसाब से रूम नंबर 301 सरला जी का है। शायद मुझे देखने में कोई गलती हो गई। I'm sorry। नहीं नहीं, ये रूम बुआ जी का ही है। I mean सरला बुआ जी का। वो मैंने आपको बताया था ना, वो बार बार रूम चेंज कर रही थी। एंड में फाइनली उन्होंने मेरा रूम ले लिया और मुझे यहाँ भेज दिया। वो उनका पर्स मुझे कॉरिडोर से मिला, आप उन्हें दे देंगे प्लीज? श्योर, बिल्कुल। बस 5 मिनट के लिए आप यहीं रुकिए, मैं अंदर आ जाइए। सॉरी बट लेकिन जरा क्यों, थोड़ा मैनेज करिए। विभोर, व्हाट्स अप डूड? अगर रूम बदल रहा था तो मेरा सामान भी लिया था। तू उस लड़की का मिसाइल सब बिहेव कर रहा है। शी इज अ रीजन, राइट? Change, man. And yes, let me tell you one thing. मैंने उस लड़की से शादी करने के लिए हाँ बोल दी है। भले ही मुझे वो इतनी पसंद नहीं है, लेकिन उसके फादर के पास तो बहुत पैसा है, बहुत बड़ा आदमी है। I'm sure, शादी के बाद वो मुझे मेरा हॉस्पिटल खोलने के लिए फंड जरूर कर देंगे। और बात रही उसके कैरेक्टर की, शादी हो जाएगी 2 दिन में, उसे सीधे रास्ते पे ले आऊंगा। और जो उसके दोस्त है ना, स्वीटू पिटू, जो सब भी जितनी मटर गश्ती करनी है उसे कर लेंगे, सब भूल जाएंगे। मॉम का फोन। या मॉम, मॉम बुला रही, मिल गया था। प्लीज मेरा सामान रख दे। हाँ आया मैं। सॉरी, मुझे आप लोगों के पर्सनल मामले में बोलने का हक तो नहीं है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सका। आप लोग जैसा राजीव के बारे में सोच रहे हैं, वो वैसा लड़का नहीं है। वो किसी भी तरह से रीति के लायक नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? अपने आप को राजीव की जान पहचान वाला बतला रहे हो और यहाँ उसकी बुराई करने चले आए। नहीं अंकल, मैं उसकी बुराई नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ आपको। राजीव को आपकी बेटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट है तो के पैसों में। आपकी पोजीशन का फायदा उठा के अपना फ्यूचर बनाना चाहता है। मैंने उस लड़की से शादी करने के लिए हाँ बोल दी है। भले ही मुझे वो इतनी पसंद नहीं, लेकिन उसके फादर के पास तो बहुत पैसा है, बहुत बड़ा है। आई एम श्योर, शादी के बाद वो मुझे मेरा हॉस्पिटल खोलने के लिए फंड जरूर कर देंगे। राजीव ने मुझे बताया। बड़ी शान से कि उसके जूते पे गिरी हुई आइसक्रीम उसने रीति से साफ कराई। सिर्फ ये देखने के लिए कि वो छुप सकती है या नहीं। उस दिन मेहंदी में जब सब लोग डांस में बिजी थे तो उसने चुपके से रीति का मोबाइल उठा लिया था। उसके सारे मैसेजेस पढ़े क्योंकि उसे शक था कि रीति का ऑलरेडी बाहर किसी के साथ रिलेशनशिप है। उसने मुझे ये भी कहा कि कोई स्वीटू नाम का है उसकी जिंदगी में। मैंने उसे बताया कि स्वीटू वो प्यार से अपनी बहन को बुलाती है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था। ये सब तुम हमें क्यों बता रहे हो? तुम्हारा क्या लेना देना इन बातों से? मेरी बहन का रिश्ता तुड़वाना चाहते हो? जी नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं तो बस इंसानियत के नाते आप लोगों को अजीब की असलियत बताना चाहता था। आफ्टर ऑल देखिए, पूरी जिंदगी का सवाल है। मुझे जो ठीक लगा, मेरे दिल ने जो कहा, मैं वही कर रहा हूँ। इसके बाद आगे जो आप लोग चाहें, आपकी मर्जी।